सुरक्षा सभा हम रोज करते हैं यहाँ पे, कई आपको टॉपिक के ऊपर बताया गया है, ठीक है। सारे टॉपिक कोशिश करी हमने आपको कई चीज़ें बताने की और कई सब चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है और आपको बताया भी है। हर चीज़ संभव नहीं है कि हर चीज़ को हम यहाँ पे टीबीटी मीटिंग के अंदर या इस टूल बॉक्स टॉक मीटिंग के अंदर चीज़ को कवर कर लें, क्योंकि हमारा शॉर्ट टर्म जो टाइम होता है, स्टार्टिंग जो टाइम है, ये बहुत कम समय में हमको सारी चीज़ें करना रहती है, तो कुछ चीज़ें इसमें से पार्ट छूट भी जाता है आपको बताने के लिए, ठीक है। तो जो चीज़ें छूट जाती है वो चीज़ें साइड पर जब हम काम करते हैं कोई भी अगर हम टास्क करने जा रहे हैं तो उस समय वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। जब आप काम करोगे तो वो चीज़ें आपके सामने निकल के आएगी। मैंने आपको बताया कि ये पांच खतरे हैं, इसके अलावा कोई अलग अगर कोई खतरा रहेगा तो आप खुद काम करोगे तो निकल के आएगा सामने और आप हमें बता भी सकते हो। इसमें आपको मैंने कई बार आपको बोलता हूँ कि जो भी आप काम करते हो वो दिल और दिमाग से काम करना। आपको दिल और दिमाग का मतलब ये है, जो भी आप काम कर रहे हैं आपको दिल से काम करना, यानी कि मन लगा के काम करना अच्छे से आपको, ठीक है। जो भी आप काम करेंगे मन से काम करेंगे। दूसरी चीज दिमाग से काम करना, दिमाग से यानी कि जो भी आप काम करने जा रहे हो उस काम के बारे में सोचना है हमें। सोचना ये है कि भैया जो काम करने हम जा रहे हैं इस काम को करने में हमें क्या खतरे हैं और क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये अगर हमने सोच लिया समझ लिया तो हम वहां के कई खतरे से बच सकते हैं। अगर आपको मैंने आपको बताया कि ये खतरा इसमें मौजूद है, आप काम करने जा रहे हैं वेल्डिंग का काम करने जा रहे हैं, आपको पता है कि इसमें जलने का खतरा, इसमें लेदर ग्लव्स होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा आपको खतरा नजर आ रहा कि आप हमको तो सिर्फ लेदर ग्लव्स का पता है साहब, ने ये तो बताया नहीं कि इससे जो गैस निकल रही है, टॉक्सिन गैस निकल रही है, इससे हमें खतरा है, ये आपको आपको पता है, लेकिन आप मैंने नहीं बताया, ऐसा जरूरी कि वो खतरा नहीं, वो खतरा भी है उसमें, वही चीज आपको पहचानना है, ठीक है। जो नहीं बताया वो भी खतरा उसमें है। अब उस खतरे से आपको अगर बचना है तो कैसे करोगे, या तो आप उसका प्रिकॉशन आपको पता है तो वो ले लेंगे, आप नहीं पता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ऐसा नहीं मैंने नहीं बताया तो वो खतरा उसमें मौजूद नहीं है, खतरा आपके काम में मौजूद है, ये मैंने आपको बताया। खतरा कौन है? आपका दुश्मन, आपका शत्रु। अपना दुश्मन कौन है? जो हमें नुकसान पहुंचाए वो हमारा दुश्मन, ठीक है। अब हमें नुकसान पहुंचाने वाली कई एक चीजें है हमारी साइड में, कई एक काम है जिसमें हमें नुकसान होता है, वो नुकसान दिखता नहीं है आंखों से, वो छुपा रहता है, लेकिन वो है मौजूद वहां पे। और मैं आपको मोस्टली बात करूंगा, अपन साइड पे आज जनरल बात कर रहे हैं, साइड पे हम काम करते हैं, साइड पे काम करने के लिए आप कई ऐसा मटेरियल भी होता है, कंबस्टिबल मटेरियल, आपको पता है मैंने कंबस्टिबल मटेरियल और फ्लेमेबल लिक्विड के बारे में भी बताया। कंबस्टिबल मटेरियल साइड पे अगर कहीं मौजूद है तो उसको वहां से हटाना। कंबस्टिबल मटेरियल क्या आपको बताया था मैंने, लकड़ी पेपर है ना, लकड़ी पेपर कागज, ये सारी चीजें जो आ गई ये कंबस्टिबल मटेरियल है। और लिक्विड फ्लेमेबल लिक्विड क्या है? पेट्रोल डीजल पेंट ऑयल, ये सारी चीजें फ्लेमेबल लिक्विड है। तो ये चीजों से को अवॉइड करना, ये चीजें अगर तो हट गई, एक तो अपन जो आग लगने का खतरा उससे बचेंगे, साथ में हमें बेहतरीन वहां की हाउसकीपिंग यानी कि साफ सफाई अच्छी मिलेगी। और अगर लिक्विड ये सिर्फ वहां से हट गया तो हमें स्लीपिंग और ट्रिपिंग वाला जो खतरा है उससे बच जाएंगे, प्लस आग लगने से, दोनों चीजों से वहां बचेंगे। तो ये सारी चीजें, आप फ्लेमेबल लिक्विड और कंबस्टिबल मटेरियल दोनों में फर्क क्या है, इसका एक फ्लैश पॉइंट होता है, फ्लैश पॉइंट जिसका निर्धारित किया गया है 37.8 फ्लैश पॉइंट है इसका, कंबस्टिबल मटेरियल में आएगा, तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये है आज की, कि जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हैं ये आपके से ज्यादा मुझे नहीं पता होगा। आप जो काम कर रहे हैं ना, आप अगर उस बात के बारे में आप सोचोगे उस काम को कि इस काम में क्या खतरा है, भाई आप, मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं थ्योरिकली बता रहा हूं, जो प्रैक्टिकली काम करता है उसे उस काम के बारे में ज्यादा पता होता है, उस काम के बारे में ज्यादा नॉलेज होता है कि क्या खतरा है। ऊंचाई पे काम कर रहे थे, मैं आपको कई ऊंचाई की ट्रेनिंग दे दी है, आपको लिक टीम की ट्रेनिंग दी है मैंने, आपको हॉट वर्क की ट्रेनिंग दी है, आपको अनसेफ कंडीशन की ट्रेनिंग दी है, कई ऐसी कंडीशन है बताई है मैंने आपको, कई ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है। तो आज का मीटिंग मैंने जनरल यही बात करी कि जो आप काम कर रहे हो उस काम को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, आप में सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आपको इस प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा कि इस काम को और बेहतर कैसे करना। तो उस प्रैक्टिस को लाने के लिए आप में एक इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, आप खुद तो सेफ्टी पालन करेंगे ही करेंगे, साथ में अपने साथी को भी पालन कराएंगे। साथी साथ में, ऐसा जरूरी नहीं कि साथी आपका, चाहे आपका साहब हो, मैनेजर हो,
सुपरवाइजर हो, किसी को अगर वो अनसेफ दिखते हैं साइट पे कंडीशन पे, बराबर आप उसको, आपको अधिकार है, आपको राइट है इस चीज का कि आप उसको बोल सकते हैं कि आप सेफ्टी में नहीं है, ठीक है। आपने हेलमेट साहब नहीं लगाया, वो साहब हो तो उनको भी आप बोल सकते हो कि आपने हेलमेट नहीं लगाया। इसके लिए कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने ऐसा क्यों बोला, अपने से बड़ा अधिकारी है उसको भी हम बोल सकते हैं कि सर आप सेफ्टी में नहीं है, आप सेफ्टी को ये चीज आपको पालन करना, अगर कहीं भी अनसेफ दिखता है आपको तो आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। और आपको भी अधिकार है उस चीज का सुरक्षा, जैसे मैंने आपको बताया ये एक की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब मिलके इसको करेंगे पूरा तो होगी, ठीक है। तो सेफ्टी के लिए एक नारा लगाएंगे हम, बोलो सेफ्टी, सेफ्टी, जय सुरक्षा।